हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और सब बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। यार, आज हम इंटरव्यू सेशन का जो हमारा वीडियो नंबर 8 है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैंने एक भी एचआर क्वेश्चन नहीं डाला है। एचआर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज के वीडियो में प्योरली बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है और वो जो है वो मोड्स ऑफ रेमिटेंस है। मीन हम पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भेजते कैसे, या फिर सपोज हमको कोई पेमेंट करना है किसी दोस्त को, किसी बिजनेस को, किसी अपने कस्टमर को, तो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, क्या क्या मेथड्स ऑफ पेमेंट या फिर मोड्स ऑफ रेमिटेंस होते हैं, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मोड ऑफ रेमिटेंस है वो है, हम डिस्कस करेंगे जो कि वो है नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, ये आप बैंक में जाओगे, आप एक चेक दोगे, आप बोलो उसको कि आपको पेमेंट नेफ्ट के थ्रू से करना है, तो वो क्या होता है, वो बैंक क्या करेगा, नेफ्ट के थ्रू से वो पेमेंट कर देगा। नेफ्ट जो है वो बैचेस में होता है। ठीक है, सपोज ऐसा है कि सपोज आपने अभी जो इंस्ट्रूमेंट बैंक में दिया, आपने कहा कि आपको नेफ्ट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो जब जिस टाइम पे वो नेफ्ट का एंट्री डालेगा सिस्टम में, या फिर जब वो एंट्री पास होगा, तो वो हाफ एन आवर बैचेस में होता है। सपोज इस टाइम पे हो रहा है तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में वो हो जाएगा, इमीडिएटली वो नहीं होता है, वो हाफ एन आवर का बैचेस होता है। तो एक दिन में नेफ्ट के 24x2 48 बैचेस होते हैं। ठीक है, और हर एक हाफ एन आवर में एक बैच होता है, तो उसी टाइम में आपका पेमेंट हो जाता है, तो वो इमीडिएटली नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट हाफ एन आवर में डेफिनेटली होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बैंक में आप जाओगे तो बैंक वाले बोलते हैं कि यार नेफ्ट कर रहे हो तो शाम तक पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग एक्चुअली डिले करते हैं, वो लोग उस चीज को शाम तक पास करते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं, नहीं तो नेफ्ट भी हाफ एन आवर में ही हो जाता है। ठीक है, ये भी 24x7 है नेफ्ट, आरटीजीएस दोनों 24x7 है। आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वर्ड से समझ में आता है कि आरटीजीएस जो है वो जब आप मतलब जब बैंक का ऑफिसर जब उस पेमेंट को सिस्टम में डालेगा तो वो इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, रियल टाइम में होता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम अलग से नहीं लगता है। तो ये हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है। ठीक है, नेफ्ट का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। आरटीजीएस का जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है। 2 लाख से ज्यादा पैसे आप डाल रहे हो तो आरटीजीएस के थ्रू डाल सकते हो। आरटीजीएस में और एक चीज है, नेफ्ट आरटीजीएस दोनों में बैंक कमीशन चार्ज करता है, तो आप आरटीजीएस में आपका कमीशन ज्यादा होगा क्योंकि आरटीजीएस का अमाउंट नेचुरली ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये बहुत पुराना है, ये अभी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या है कि सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, सपोज मैं एक जो कि वेंडर है उससे मैं माल लेता हूँ, तो मेरे को उसको पेमेंट करते रहना होता है। सपोज ऐसा सिस्टम है कि 31st को मैं उसको पेमेंट करते रहता हूँ, तो पहले के दिन में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक डेबिट या फिर क्रेडिट का एक मैंडेट बनता था, ठीक है, पर्टिकुलर डेट के लिए, तो हर महीने उसी डेट में वो मैंडेट के थ्रू से पैसा डेबिट या क्रेडिट किसी के अकाउंट में हो जाएगा। ये था इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया है नेच के साथ। नेच मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये एनपीसीए का प्रोडक्ट है, एनपीसीए का प्रोडक्ट है नेच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यहाँ पे क्या होता है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो रहते हैं, आई मीन जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे, ये इसको करो ये, तो वो क्या कर सकता है कि बैंक में जाके वो नेच कर सकता है। तो अगर नेच करता है तो हर एक ट्रांजेक्शन, मतलब ये ईसीएस का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, वही सिंपल है, हर एक ट्रांजेक्शन मैंडेट के थ्रू से स्पेसिफाइड डेट में ये होते रहेगा अपने आप। ठीक है, यही है। उसके बाद है आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये भी एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी एनपीसीआई के प्रोडक्ट है। इसमें क्या है कि ये तब चलता था जब हमारे पास यूपीआई नहीं था, तब हमारे पास यूपीआई नहीं था तो तब आईएमपीएस चलता था। आईएमपीएस भी 24/7 था, इलेक्ट्रॉनिक मेथड था। ठीक है, तो ये यूपीआई से पहले ये चलने वाला मेथड क्या नाम याद कर लो, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है कैश ऑर्डर और बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। ये सब चीजें बहुत इजी है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्या है, क्योंकि एग्जाम में मतलब इंटरव्यू में जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप बोल सकते हैं। तो कैश ऑर्डर क्या है, कैश ऑर्डर आई मीन अगर आपको पैसा एक सिटी में ही, एक ही सिटी में अगर आपको किसी दूसरे इंसान को देना है तो आप बैंक में जाके कैश ऑर्डर बना सकते हो, उसको दे सकते हो, फिर वो बैंक से कैश कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कैश ऑर्डर जो होता है ये सेम सिटी के अंदर होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक क्या है, पे ऑर्डर क्या है, ये दोनों भी सेम है, सेम चीज है, ये भी सेम सिटी के अंदर ही होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट क्या होता है, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, ठीक है। लेकिन बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर ये भी सेम है। अगर एक आदमी जाके बैंक में बोलता है कि मुझे इसको पेमेंट करना है, गिव मी बैंकर्स चेक, तो बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू गिव यू बैंकर्स चेक, वो उसको दे देगा, वो दूसरे बैंक दूसरे ब्रांच से उसको कलेक्ट कर लेगा। लेकिन बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर जो है वो सेम सिटी में होता है, कैश ऑर्डर भी सेम सिटी में होता है, लेकिन ड्राफ्ट जो है वो अलग सिटी में होता है, ठीक है। तो ये रेमिटेंस के मोड्स में इतना ही है। अब देख लो, नेफ्ट, आरटीजीएस, सीसीएस, नैच, आईएमपीएस, कैश ऑर्डर, बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर, ठीक है। ये सब चीज को आप अच्छे से पढ़ लो एक बार देख लो यार, इसमें इतना ज्यादा तो टफ कुछ भी नहीं है, आप याद रख लो। और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे यार। अगर आपको वीडियोस सच में पसंद आ रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे क्या होगा कि YouTube महाराज हमारे वीडियोस को प्रमोट करेंगे और उससे मेरा रीच भी बढ़ेगा और आपको आपके लिए भी मैं और ज्यादा कंटेंट आगे ला सकता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।